बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो ठीक होंगे और साइंस जो है उसको बड़े अच्छे से जो है वो पढ़ रहे होंगे। साइंस क्या बाकी सारे सब्जेक्ट्स को जो है आप अच्छे से जो है वो फॉलो कर रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर। मोस्टली जो है वो जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो फिज़िक्स का बेसिकली जो बेस है वो यही चैप्टर है। तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने इसको करना है, क्योंकि जब आप लोगों ने प्री नाइन्थ में जाना है तो इसको वहाँ भी जाके आप पढ़ेंगे, लेकिन जो उसकी कंसेप्ट है वो बेसिकली यही चैप्टर है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने आप लोगों का जो सिलेबस है वो इस तरह सेट किया हुआ है कि आप लोगों को आगे जो नाइन टेंथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो जाए। तो चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आप लोगों से आज जो मैंने बातें डिस्कस करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, और दूसरी ये कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती। वेरी सिंपल कि हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। अब आप देखें अपनी डेली लाइफ में किस किस चीज़ को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जांपल देखें, जिसमें देखें लेंथ है, लेंथ को आप इजीली मेजर कर लेते हैं, उसके बाद मास को आप इजीली मेजर कर लेते हैं, टाइम जो है आप देखें उसको मेजर करते हैं स्टॉपवॉच से डिफरेंट तरीके से, वॉल्यूम को मेजर करते हैं हम, मेजरिंग सिलेंडर हम पढ़ेंगे उसकी मदद से। तो आप देखें कि आप ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको ईजीली मेजर किया जा सकता है, हर वो क्वांटिटी वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सप्लेनेशन जो है वो कुछ इस तरह है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि दो चीज़ें जो है अपना फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी दो दो फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, नंबर वन मैग्नीट्यूड और साइज, और नंबर टू यूनिट। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक शॉप पे जाते हैं, जाके उसको ये कहते हैं कि मुझे शुगर चाहिए, अब जो शुगर बोला है वो तो क्वांटिटी, लेकिन अगर आप उसको जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि आपको कितने किलो शुगर चाहिए तो उसको क्लियर नहीं होगा शॉप वाले को। तो जब हम बोलते हैं हमें 2 kg शुगर चाहिए, 2 kg, तो इसका मतलब होता है 2 kg शुगर। पहले आपसे शुगर बोल रहे थे तो उसको क्लियर नहीं हो रहा था, जब आपने बोला मुझे 2 kg शुगर चाहिए तो फिर उसको इजीली अंडरस्टैंड हो गया कि इसको यार शुगर चाहिए 2 kg। अब इसमें जो 2 है वो मैग्नीट्यूड मिकदार है उसकी, और जो kg है वो इसका यूनिट है। अब यूनिट क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। कुछ पैरामीटर्स से हमें पता चल जाता है कि ये जो है लेंथ है, मास है, वॉल्यूम है, क्या चीज़ है। तो इसलिए जो है 2 इसमें जो है वो आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और जो kg है वो इसका यूनिट है। तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, एक मैग्नीट्यूड और साइज भी कहते हैं, और दूसरा उसका यूनिट। आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। ध्यान रखिए कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले मेडिकल का इंट्री टेस्ट हुआ, यानी कि जो डॉक्टर बनते हैं उनके लिए FSC के बाद एक इंट्री टेस्ट होता है, उसको कहते हैं यानी कि MCAT वगैरह, मेडिकल का इंट्री टेस्ट हुआ। उसमें पहला MCQs यही पूछा हुआ था, उन्होंने कहा था कि एवरी मेजरेबल क्वांटिटी कॉल्ड, तो इजीली आंसर था फिजिकल क्वांटिटीज,
लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो फिर ही आपको जो है पता चलेगा कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तो इसलिए आप लोगों ने जो बेसिक है उसको नहीं भूलना, उसको याद रखना है। इसलिए मैंने कुछ ऐसे चैप्टर डिसाइड किए थे जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है आपकी नेक्स्ट क्लासेस में। तो बड़े गौर से इजीली इसको समझिएगा, फिर आपको ये चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। उसके बाद आता है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। ये चीज़ ज़हन में रखनी है आप लोगों ने कि जो है ये कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए, जैसे लेट्स सपोज करें साइंसदानों ने जो है वो किसी चीज़ को नाम देना है। तो अब ये देखें ना, जैसे हमारे पाकिस्तान की अगर हम एक छोटी सी मैं एग्जांपल लेता हूँ, पाकिस्तान में एक प्याज है, प्याज उर्दू में प्याज कहते हैं, इंग्लिश में ऑनियन, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देहात में चले जाएं वो कहते हैं गंडा। उसके बाद वसल भी बोला जाता है इसको, मतलब कि पाकिस्तान में एक चीज़ के लिए डिफरेंट नेम्स हैं। लेकिन अगर आप सपोज करो कि अगर एक पाकिस्तान में इस तरह है, तो आप जो है अगर इंडिया में जाते हो तो इंडिया में उसी जैसे जो चीज़ है उसका नाम डिफरेंट है, यूरोप में जाते हो चीज़ का नाम डिफरेंट है। तो साइंसदानों ने ये सोचा कि अगर ये डिफरेंट डिफरेंट हम जो है ये जिस मर्जी मुल्क में जाएं तो डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने 1980 में पेरिस में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा करें कि ऐसा सिस्टम बना दें हम जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो चीज़ें समझने के लिए। ऐसे सिस्टम को उन्होंने एसआई सिस्टम का नाम दिया। अब सपोज करें कि अगर पाकिस्तान में जो लेंथ है उसको मीटर में मेजर किया जाता है ना, या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में मेजर किया जाता है, तो बाहर के मालिक में भी जो लेंथ होती है उसको मीटर में सेंटीमीटर में ही मेजर किया जाता है। चाहे आप यूरोप चले जाओ, चाहे इंडिया चले जाओ, चाहे कराची, जहाँ मर्जी चले जाओ, तो इस चीज़ का सिर्फ एक ही यूनिट होगा, यूनिट है। तो आप आइडिया करें कि जहाँ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट जो है वो एरियाज में डिफरेंट नाम थे, उन्होंने उसको कंपाइल कर दिया, एक ही सिस्टम में लिया, उसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। और सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है उसको हम SI भी कहते हैं, ये इसका एब्रीवेटेड है। ये इसका क्या है? एब्रीवेटेड है। जैसे फिजिक्स वाले SI सिस्टम कहते हैं, अपना केमिस्ट्री वाले IUPAC कहते हैं। तो ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो है जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जितने भी मुल्क हैं इस दुनिया में, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो सिर्फ एक चीज़ का एक ही नाम जो है वो लेते हैं। जैसे मैंने कहा लेंथ है तो मीटर है, तो इसलिए जहाँ मर्जी चले जो मीटर ही होगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही सिस्टम था। तो एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और अब कुछ इसी की एग्जांपल देख लें। जैसे मैंने कहा लेंथ का यूनिट मीटर है, मीटर में मेजर करते हैं, मास किलोग्राम है, टाइम सेकंड में, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में। अब आप जहाँ मर्जी चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपको टाइम सेकंड में ही आप इसका इंटरनेशनल सेकंड आ गया, आर्स आ गया, ये तो उसका यूनिट यही है, चाहे इंडिया में चले जाओ, चाहे जहाँ मर्जी चले जाओ, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसे सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द फिजिकल क्वांटिटीज, टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, टू अंडरस्टैंड द साइंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सिस्टम। अगर हम केमिस्ट्री में जाएंगे तो हम वी डिस्कस अबाउट IUPAC इंटरनेशनल, ये भी एक यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको हम कहते हैं IUPAC। तो ये एक छोटा सा वाक्या भी है, लेकिन अब जो है वो इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होंगे और 9th में जब इसको हम पढ़ेंगे दोबारा फिर, तो डिटेल्ड टॉपिक है, ऐसे ही इसको लेके चलना होता है, ठीक है। फिर मैं आपको बात बताऊंगा कि क्या वजह है, आप भी सोचिएगा इसको, कि ऐसा ही सिस्टम जो आज पेरिस में है, वो एक वक्त था कि ये पाकिस्तान में जो है ये बनना था, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं बना। इसके पीछे जो है वो कुछ लॉबीज थी, कुछ आईडी, कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो वजूहत
वो डिस्कस करेंगे कभी आपसे। तो इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टॉपिक को बहुत गौर से आप लोगों ने सुनना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई चीज़ ना समझ लगी हो तो पूछ लीजिएगा, कोशिश किया करें टॉपिक को एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा सुना करें, क्योंकि ये चीज़ जहन में रखें कि जब हम किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं तो फिर हमें क्या होता है कि वो जो है वो अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं जो अच्छा लिसनर होता है वो अच्छा लर्नर भी होता है। तो इसलिए चीज़ों को बार बार सुने ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर फिर भी ना क्लियर हो तो मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आप हमें जो है मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर है टीचर के दिए हुए, आप इजीली जब मर्जी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ने के बहाना।